मंत्री रविंद्र जायसवाल के भाई पर सरकारी तालाब कब्जा करने का आरोप। वाराणसी के थाना रोहनिया के खुशीपुर गांव में है तालाब। पटना कलकत्ता हाईवे पर स्थित है 14 बीघे का तालाब। तालाब के चारों तरफ बाउंड्री वाल करके किया जा रहा अवैध कब्जा। सरकारी तालाब की कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। गाँव वालों का आरोप है कि डीएम एसडीएम और स्थानीय पुलिस की सह पर हो रहा अवैध कब्जा कर निर्माण। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के रहने वाले हैं। लखनऊ आए हैं, क्या मामला है आपका? सर एक तालाब पाटी जा रही है, माफिया लोग पाट रहे हैं सर। हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लेखपाल, कानून को, बनारस के डीएम सबको दिए, कोई सुनवाई नहीं है। कौन माफिया है? माफिया रविंद्र जायसवाल है, जो सर उत्तरी के विधायक है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो लोग प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं सर। अच्छा, रविंद्र जायसवाल के भाई भी क्या उसमें शामिल है? वो दोनों भाई लोग मिले हुए हैं सर। जो रविंद्र जायसवाल वही हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं? मंत्री हैं सर। अच्छा, आप लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में सर तीन लोग फेल हो चुके सर, जो उनको आर्डर हुई थी वो आर्डर खत्म हुई थी। वन्नी में भी मुकदमा चला, पीआईएल में भी आदेश गाँव सभा के पक्ष में हुआ। इसके बाद भी ये लोग शासन प्रशासन को मिला करके जबरदस्ती उसको काट रहे हैं, बाउंड्री वाल बनवा दिए सर। हाई कोर्ट ने किसको आदेश किया था कब्जा मुक्त कराने का? नहीं, हाई कोर्ट की तरफ से किस अधिकारी को मार्क किया गया था कि जमीन पे कब्जा खाली कराया जाए? एसडीएम साहब, एसडीएम साहब को 67 में बोला गया था, 67 में आप जाइए बनारस में, हम लोग बनारस गए, कोई एसडीएम नहीं सुन रहा हम लोगों की बात। अब पुलिस क्या कहती है स्थानीय? पुलिस कहती है कि वो पकड़ के हम लोग जबरदस्ती डांट रही है कि तुम लोग पैसा कौड़ी ले लो, मान जाओ, ये करो। हर गांव में सरकार तालाब पोखरी खनवा रही, हमारे गांव के तालाब पोखरी क्यों पाटी जा रही है सर? ये जमीन कहां पे है? ये खुशीपुर हाईवे के किनारे है सर, थाना रोहनिया, जिला बनारस। कितनी कीमत होगी जमीन की? अरे सर वो अरबों की जमीन है, 14 बीघा का मामला है सर, 20 लाख बीस से जमीन बिक रही है वहाँ पर। ठीक, ये लोग बीजेपी के मंत्री जी कुल काम करवा रहे हैं।